माँ बाप की दुआ तो बेशक है, उनके बिगड़ तो कुछ नहीं होता। आज रहमान मिस्त्री दरवाजा खोल के बोलता जाओ यूट्यूबर को भी अलाउड है। बकरा साल भर से ऊपर का होना बहुत जरूरी है भराई पे लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड। दोस्तों मैं हूँ वीके एयरपोर्ट फार्म पर। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम भाई। अरशद भाई, वीडियो हम लोग बनाने का पर्पस है पलाई के, हम लोग रिजल्ट देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर। जी भाई। सो ये जो बकरा है किसका है ये भाई? ये इनका ही बकरा है भाई। मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान ये हमारे फिरोज भाई के बेटे। फिरोज भाई के बेटे हैं, साहब दादे। राइट। सो फिरोज भाई के जो ये बकरा है ये आपके पास तो काफी टाइम से होगा, अभी फिलहाल इसकी करंट डिटेल क्या है? ये करंट डिटेल भाई चौथे दांत पे है बकरा और इसका वेट है 72 kg। 72 kg जी भाई। एंड फिरोज भाई काफी अच्छा शौक करते हैं, काफी पहले से ना उनके पास ये बकरा। तो ये बकरा वो बकरा इससे पहले ही ले लिए थे। हाँ, फिर बकरा ईद के बाद में अपने फार्म पर। तो लास्ट ईयर से था बकरा राजस्थान में। राजस्थान में था भाई, रमजान गोट फार्म में। एंड क्या नाम है भाई बकरे का? इसका नाम है काबिज। काबिज। अच्छा, ये घास की वजह से बकरे की हाइट थोड़ी सी दब रही है। 38 की हाइट है, 38 प्लस है हाइट भाई। तो बकरा काफी गंदा दिख रहा है ना भाई? भाई अभी कैसा मौसम सडनली चेंज हो रहा है, गर्म ठंडा बारिश भी हो रही है, वो हिसाब से इंशाल्लाह और नहला देंगे अभी। जो हाँ, जो लेवल का बकरा नहला दोगे तो वापस नेक्स्ट डे वैसे ही होने वाला है, वैसे ही हो जाएगा। राइट। सो कितने बकरे टोटल फिरोज भाई के और भी है? फिरोज भाई के टोटल 4 बकरे भाई अपने पास जी। सो आज डेट है आई थिंक 11 या 12 तारीख 12 तारीख है अक्टूबर 2024। सो वी केयर गुड फार्म का हम लोग एक रिजल्ट चैलेंजिंग वीडियो बनाएंगे सारे बकरों का। वेट गेन चैलेंज? नहीं या वेट गेन चैलेंज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा सा चला के बता दीजिए भाई। ये वी केयर गुड फार्म का प्लेइंग एरिया। So, माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा है। नोमान साहब से 2 मिनट बात करना चाहूंगा। जी भाई। 1 मिनट। हाँ, वजन वगैरह आपने बता दिया? जी भाई। नोमान साहब, आपके टोटल 3 या 4 बकरे अभी फिलहाल है यहाँ पे, तो सभी में से कौन सा बकरा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ये नाम इसका काबिज है, राइट। सो आप कुछ कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा ब्रीड में लाएंगे, ये तो सो जाते। तो अगले साल कौन सी ब्रीड में बकरा लाना चाहोगे? कोटा। कोटा। अच्छा, कोटा क्यों चाहिए? कोटा क्यों? क्योंकि वो मारता है। वो मारता है। एग्रेशन की वजह से बच्चों को काफी पसंद होता है ना भाई, वो हिसाब से अगले साल कोटा। तो इंशाल्लाह आपकी विश फिरोज भाई पूरी कर ही देंगे। अभी भी एक इनका मेंढा है भाई हमारे पास में, काफी एग्रेशन में। हाँ हाँ, मैं देखा वो, उसकी वीडियो भी बनाई है जी भाई, काफ़ी खतरनाक है। हाँ। जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, जजाकल्ला खैर।